नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कल्पना राजपूत लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओडी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या कारण होते हैं और इससे जुड़ी हुई ऐसी 5 होम्योपैथिक दवाइयां जिनको लेने के बाद आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम पूरी तरीके से जड़ से एकदम ठीक हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है दोस्तों, तो आप इसको एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के अंत। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके आगे में एक बेल आइकन है जिसको क्लिक करके आप मेरे फ्यूचर की वीडियो के नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पीसीओडी की समस्या आमतौर पर महिलाओं के अंदर हार्मोनल चेंजेस के कारण होती है। इसमें महिलाओं के अंदर एक पुरुष हार्मोन होता है एंड्रोजन, जिसका लेवल बढ़ जाता है और ओवरी में सिस्ट बनने लगती है। नॉर्मली महिलाओं के अंदर 2 फीमेल हार्मोन होते हैं और एक मेल हार्मोन होता है जिसकी मात्रा बहुत कम होती है। ओवरी हर महीने एक एग को प्रोड्यूस करती है यानी कि ओवम बनाती है। 2 हार्मोन होते हैं FSH और LH। ये दोनों हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं जो कि आपकी ब्रेन में होती है। FSH और LH के दोनों हार्मोन मिलके ओवरीज के फॉलिकल्स को मैच्योर करने में हेल्प करते हैं। जब FSH और LH का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है तब फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो पाते हैं और वो पानी के गुब्बारे की तरह बनकर रह जाते हैं, जिससे कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। जब अंडा ही नहीं बनेगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो हर महीने मेंसेस भी नहीं आएंगे, जिसके चलते एक फीमेल कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है और उसको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का इम्बैलेंस होने के कारण और मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से कुछ फीमेल्स के अंदर हर्सुटिज्म का प्रॉब्लम आने लग जाता है, यानी कि उनकी एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, उनके चिन पे बाल आने लग जाते हैं, उनके चीक्स पे बाल आने लग जाते हैं। एंड्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से फीमेल्स के फेस पे एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है, वेट गेन का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके चलते उनके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा होने लग जाती है। अगर ये सारी चीजें बहुत लंबे समय तक चलती रहती है तो एक फीमेल के अंदर डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरटेंशन, ये सारी प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ कॉजेस। जैसे कि जो फीमेल्स सिडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा घर में बैठे रहने का काम करते हैं या फिर ऑफिस में बैठे रहने का काम करते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, जिनका वेट दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, जिनकी बॉडी काफी हैवी होने लग जाती है, जिन लोगों को मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, पीसीओडी के कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं जैसे कि वेट गेन। आपका अगर दिन ब दिन वेट गेन होता जा रहा है, एबनॉर्मल आपको हेयर ग्रोथ हो रही है इंपॉर्टेंट जगह पे जैसे कि चिन पे, चीक्स पे, आपको एक्ने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इररेगुलर पीरियड्स ही पीरियड्स जब भी आते हैं आपको बहुत दर्द के साथ आते हैं, अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है और आपको कंसीव करने का प्रॉब्लम, ये सारे सिम्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टुवर्ड्स अ पीसीओडी। ऐसे लोगों को पीसीओडी होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां जिनको लेने के बाद आपके पीसीओडी का प्रॉब्लम पूरी तरीके से एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों पहली दवाई है CPR-30। CPR-30 पीसीओडी के लिए बहुत ही अच्छी दवाई मानी गई है। CPR-30 में फीमेल को इररेगुलर पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स बहुत दिनों बाद आते हैं और जब भी आते हैं तो फ्लो काफी स्कैंटी होता है, यानी कि बहुत कम दिनों के लिए रहता है। पीरियड्स में बहुत ज्यादा उनको पेन होता है, ओवरी में सिस्ट होती है और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, उनको हर्सुटिज्म की प्रॉब्लम होती है यानी कि उनको एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है, ज्यादातर उनको जो बाल आते हैं अपर लिप पे आते हैं, उनका बिहेवियर काफी इंडिफरेंट रहता है, उनको ज्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करता है, ना ही हस्बैंड से ना ही बच्चों से, वो थोड़ा अपने अंदर ही रहने की कोशिश करती है और उनको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम रहता है। ऐसी फीमेल CPR-30 ले सकती है। 2-2 बूंदे दिन में 3 बार कम से कम आप 1-2 महीने के लिए आप लीजिए और आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो गए हैं, आपकी ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम यानी आपके वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम भी ठीक हो गया है और आपके सिस्ट भी ठीक हो गए हैं। दोस्तों दूसरी दवाई है Pulsatilla-30। Pulsatilla-30 हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिन लोगों को इररेगुलर पीरियड्स उनके प्यूबर्टी के टाइम से होता है, यानी कि जब से ही उनको पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं तब से ही उनको पीरियड्स इररेगुलर आते हैं और जब भी आते हैं तो बहुत दर्द के साथ आते हैं और कई कई महीनों तक नहीं आते हैं, कम से कम 3-4 महीनों बाद उनको भी पीरियड्स आते हैं, वो भी दवाई लेने के बाद।
पल्सेटेला पेशेंट्स बहुत ही ज्यादा माइल्ड होती है, सेंसिटिव होती है। उनके सेंसिटिव बिहेवियर की वजह से उनको रोना बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है, जो जिनको थोड़ी सी भी बात उनके दिल पे लग जाती है। जिन लोगों को प्यास नहीं लगती है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, और गर्मी बहुत ज्यादा लगने की वजह से उनको बाहर की हवा ज्यादा अच्छी लगे, खुले में उनको अच्छा लगे, बंद कमरे में, लिफ्ट में, ऐसी जगह पे उनको सफोकेशन फील, ऐसे पेशेंट्स पल्सेटेला 30 ले सकती हैं। आप दो दो बूंदे दिन में 3 बार लीजिए, कम से कम महीने 2 महीने के लिए, और आप देखेंगे कि आपके पीसीओडी का प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो गया। 230 दवाई है कैल्केडिया कार्ब 30। कैल्केडिया कार्ब हम उन पेशेंट्स को देते हैं जो लोग बहुत ही ज्यादा फेयर होती है और जो फैटी होती है, जिनका वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। पीरियड्स तो उनके नॉर्मल होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा दिनों के लिए रहते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। जिनका बिहेवियर थोड़ा ऑब्सिनेट होता है, थोड़ा जिद्दी होती है वो, और जिन फीमेल्स को ज्यादा चौक मिट्टी खाने की आदत होती है, ऐसी फीमेल्स कैल्केडिया कार्ब 30 ले सकती है। कम से कम 1 महीने के लिए आप इस दवाई को लीजिए और आपके सिस्ट का प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। दोस्तों चौथी दवाई है नैट्रोम्योर 30। नैट्रोम्योर 30 हम उन फीमेल्स को देते हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस की वजह से, जिनका लाइफस्टाइल काफी ज्यादा सेडेंटरी होता है। पीसीओडी होने के कारण जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती है, जिनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम रहता है, जिन लोगों की लाइफस्टाइल काफी सेडेंटरी रहती है, काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल रहती है, और ऐसी पेशेंट्स को ज्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करता है। नमक जिनको खाने में बहुत ज्यादा पसंद हो, जिनको नमकीन चीजें ज्यादा पसंद हो, गर्मी काफी ज्यादा लगे, और सूरज की रोशनी में जिनको ज्यादा तकलीफ हो, जैसे कि उनको हेडेक का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, माइग्रेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, सन एक्सपोजर में जाने के जिनको स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, ऐसी फीमेल्स नैट्रोम्योर 30 ले सकती है। दोस्तों हमारी पांचवी और बहुत अच्छी दवाई है पूजा 30। पूजा 30 हम उन फीमेल्स को देते हैं जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनको ओवरी में सिस्ट है, और ओवरी में ज्यादातर उनको लेफ्ट साइड में सिस्ट होगी, यानी कि लेफ्ट ओवरी में उनको ज्यादातर सिस्ट रहेगी। हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते उनको एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम है, उनके बाल काफी ज्यादा थिक है और अनवांटेड जगह पे भी आ रहे हैं, चिन पे आ रहे हैं, चीक पे आ रहे हैं, जिनकी स्किन काफी ऑयली है, एक्ने का प्रॉब्लम ज्यादा है, और साथ ही साथ जिनको वॉट्स का भी प्रॉब्लम हो, ऐसी फीमेल्स जो 30 ले सकती है कम से कम 1 से 2 महीनों के लिए, और आप देखेंगे कि आपके सिस्ट का प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो गया है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया आज पीसीओडी के बारे में और उससे जुड़ी हुई 5 ऐसी बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जिनको लेने के बाद आपकी पीसीओडी का प्रॉब्लम पूरी तरीके से एकदम जड़ से ठीक हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज इसको लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके आगे एक बेल आइकन है जिसको क्लिक करके आप मेरे फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।